हेलो स्टूडेंट्स, साडा अज का टॉपिक इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, जिदे विच कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का ही एक हिस्सा है। कंपैरिजन करती हुई जो वर्ड है उन्होंने चेंज करके, उन्होंने डिग्री चेंज करके अपना उन्हें सेंटेंस नूं किवें तब्दील करना है, किवें ट्रांसफॉर्म करना है, वो चीज़ इस टॉपिक दे विच अज आपां डिस्कस करांगे। कंपैरिजन का मतलब तुलना करना, कंपेयर करना, और जिमें कि तुसी जानते हो कि कंपैरिजन दी डिग्रीज नूं थ्री पार्ट्स दे विच डिवाइड किया आया। फर्स्ट है पॉजिटिव डिग्री, दैन कंपैरेटिव, एंड थर्ड इज सुपरलेटिव। जदों किसी एक चीज़ की गल हो रही है, किसी एक नाउन दी ऑब्जेक्ट की गल हो रही है और उहदी कोई क्वालिटी दसी जा रही है, तो वह पॉजिटिव डिग्री के अंडर उन्हों डिस्कस किया जाता है। एक तो वध जदों चीज़ा हो जांदियां तो कंपैरेटिव डिग्री नूं यूज़ किया जाता है, और अगर एक तो वध दो चीज़ों के विच कंपेयर हो रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन दो तो वध जदों हो जाता है तो उन्हों आपां सुपरलेटिव डिग्री बोल दें। फिर दोबारा तो एक्सप्लेन करिए, जिस तरह किसी एक परसन की गल है, किसी एक स्टूडेंट की गल है, ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, और उदे लई पॉजिटिव डिग्री गुड वर्ड यूज़ होया। अगर वो कंपेयर दो लोगों के विच कीता जा रहा या दो स्टूडेंट्स के विच कीता जा रहा, राम इज़ बैटर दैन श्याम या ही इज़ बैटर दैन द अदर अदर बॉय इन द क्लास, तो दो जनों के विच जो कंपेरिजन हो रहा है उदे लई बैटर वर्ड यूज़ होया। और अगर पूरी क्लास की गल हो रही है, पूरी कैटेगरी की ही गल हो रही है, जिदे विचों पूरे होल पार्ट दे विचों असी बेस्ट नूं फाइंड आउट करना है, तो वो सुपरलेटिव डिग्री है। और तुसी गुड, बैटर, बेस्ट इस तरीके दे नाल डिग्रीज जदों पढ़िया सी तो उस टाइम किवें इन्हां नूं यूज़ करना है वो भी चीज़ तुसी सीखी होएगी। अज उसी ही चीज़ नूं असी इत्थे रिवाइज़ करना है, और एग्जाम दे विच हो सकदा तुहानू पॉजिटिव डिग्री दित्ती होवे उहनू कंपैरेटिव बनाना या सुपरलेटिव बनाना, या फिर एक सुपरलेटिव दित्ती है उहनू तुसी पॉजिटिव या कंपैरेटिव दे विच बनाना, इस तरीके दे नाल ट्रांसफॉर्म करना एग्जाम दे विच आ सकदा। इत्थे फिर मैं उही गल दसांगी कि जदों भी ट्रांसफॉर्मेशन दे टॉपिक दी आपां गल करनी है तो किस गल दा ख्याल रखना है कि चाहे डिग्री पॉजिटिव होए या कंपैरेटिव या सुपरलेटिव, जदों भी असी किसी एक सेंटेंस नूं चेंज करना है तो उहदा मीनिंग दूसरी डिग्री दे विच लैके जा रहे हैं सेंटेंस नूं, मीनिंग दे विच कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, मीनिंग सेम ही होना चाहिए है। मीनिंग ऑफ सेंटेंस शुड बी सेम इन ट्रांसफॉर्मेशन, ये गल हर टॉपिक दे विच तुहानूं क्लीयर की जाती है। और हुण कंपैरिजन बिटवीन टू सबजैक्ट्स दी जो तुसी डिग्रीज़ के बारे आप एग्जाम्पल दे के क्लीयर करते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, इन्ह वर्ड्स नूं ध्यान दे नाल देखना है और की ऑब्जर्व करते हैं कि हमेशा इको ही तरीके दे नाल वर्ड्स नूं चेंज नहीं किया जा रहा। इफ द वर्ड इज़ ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, बट in the case of intelligent, then more intelligent, most intelligent, interesting, more interesting, most interesting. Hun ithe intelligent de agge more word lagaya, aur isi tarah interesting de vich te kuch eho je words hunde hai jinu ki change karan lagya apan hamesha hi er ya est laga ke same onu change nahi kar sakde same way de naal, kuch difference hunda jide layi sanu बहुत सारे वर्ड्स साड़ी वोकैबलरी दे विच होने चाहिए है कि किहड़े वर्ड की सैकेंड डिग्री की होएगी, थर्ड डिग्री की होएगी और उहदी फर्स्ट डिग्री की हुंदी है। ट्रांसफॉर्म करना हो सकता है एग्जाम च थर्ड डिग्री का कोई सेंटेंस आ जाए और तुसीं उहनूं फर्स्ट डिग्री दे विच चेंज करना है, तो फिर ये चीज़ां तुहानूं क्लीयर होनियां जरूरी है। हुण देखिए सेंटेंसिस, राम इज एज टॉल एज गोपाल, एंड कंपैरेटिव, राम और गोपाल दे विच कंपैरिजन है, लेकिन इत्थे सिर्फ राम दी ही गल कीती है, राम इज़ एज टॉल एज, उन्ना ही लंबा है जिन्ना गोपाल। लेकिन जदों इन्नू सेंटेंस नूं आपां कंपैरेटिव च चेंज करना होए, मीनिंग शुड बी सेम,
गोपाल इज नॉट टॉलर दैन राम. तो जो सेकेंड वर्ड सी सेकेंड नाउन से असं अगे लैके आए हैं और गोपाल की तुलना की कहद्या हो कर रहे हैं कि वह राम तो ज़्यादा लंबा नहीं है. गोपाल इज़ नॉट टॉलर दैन राम. और इतने सिर्फ कंपेरिजन गोपाल और राम दे विच ही है, थर्ड डिग्री कोई नहीं यूज़ हो रही है, थर्ड सब्जेक्ट दिता नहीं गया. नेक्स्ट देखिए, अगर कंपेयर हो रहा अनिल दे विच और बाकी क्लास दे बॉयज़ दे विच, अनिल इज़ बैटर दैन एनी अदर बॉय इन अवर क्लास, दूसरे किसी बच्चे तो बैटर है. और अगर इन्हों सुपरलेटिव चेंज करते हैं, अनिल इज़ द बेस्ट बॉय इन अवर क्लास, पूरी क्लास की कैटेगरी दे विचों ही इज़ द बेस्ट. और अगर इस इनू ही यही सेंटेंस नू असी पॉजिटिव करना है, देन द सेंटेंस विल नो अदर बॉय इन अवर क्लास इज एज गुड एज अनिल, एज गुड एज अनिल, कोई भी दूसरा स्टूडेंट उन्ना चंगा नहीं है जिन्ना कि अनिल है. तो इस तरीके दे नाल ये तीनों डिग्रीज दे विच जो सेंटेंस लिखे गए हैं इन्हों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है. नाउ सी द सेंटेंस, मोहन इज़ एज डल एज एंड एज. हुण एज वर्ड नू देखदे आं असी सानू पहचान हो जाती है कि ये पॉजिटिव डिग्री दे विच सेंटेंस लिखा हुआ और इनू तुसी ट्रांसफॉर्म करना है. तो ट्रांसफॉर्म करन लई कंपेरेटिव डिग्री का सेंटेंस देखिए, एंड एज इज़ नॉट डलर दैन मोहन. दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कंपेरेटिव और वी कैन से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव sentence into comparative sentence. Now see the next sentence, Prem is as cunning as fox. This is the positive sentence, degree of positive degree is given here, and the sentence of comparative degree, a fox is not more cunning than Prem. Comparison between Prem and fox is there, Prem or fox de vich comparison kita gaya, और मोर कनिंग वर्ड यूज किया कंपेयर करने वास्ते. सिल्वर इज नॉट एज हैवी एज गोल्ड, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव डिग्री, एज हैवी एज गोल्ड, एंड द कंपेरेटिव डिग्री इज गोल्ड इज नॉट हैवियर देन सिल्वर, गोल्ड सिल्वर तो हैवी नहीं है. मिस्टर शर्मा इज द बेस्ट टीचर इन अवर स्कूल. Now, best word is used here. That means superlative degree use ho rahi hai ithe, the best. Aur inu jadon tusi change karna hai, comparative. Mr. Sharma is better than any other teacher in our school. Dusre teachers de naal comparison ho rya Mr. Sharma da. Te e comparison lehi comparative degree use hui. Better word ithe use kita gaya. Aur isse hi sentence no agar positive लिखना होए, पॉजिटिव डिग्री, नो अदर टीचर इन अवर स्कूल इज एज गुड एज मिस्टर शर्मा. सी द फर्स्ट टू क्लैरिफाई दिस कंसेप्ट अगेन, मिस्टर शर्मा इज द बेस्ट टीचर इन अवर स्कूल. कंपेरेटिव इज मिस्टर शर्मा इज बेटर दैन एनी अदर टीचर इन अवर स्कूल, एंड पॉजिटिव इज नो अदर टीचर इन अवर स्कूल इज एज गुड एज मिस्टर शर्मा. सो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज कंपेरेटिव, and this is superlative. Now see, Sarika is the most beautiful girl in the family. Most beautiful, this is the example of superlative degree, and the comparative sentence is Sarika is more beautiful than any other girl in the family. Most word for superlative and more word is for comparative. See the positive degree of this sentence. अगर इनू positive degree बनानी होए, no other girl in the family is as beautiful as Sarika. So ये example देख के तुहानू अच्छी तरह समझ आ गया होना कि एक positive degree दे विच लिखन दा की तरीका है, एक compare किदां करना है, और superlative sentence नू किवें लिखना है. ज़्यादा example जिन्ने करूँगी उन्नी ज़्यादा clarity आ जाती है. सिर्फ मेन बेसिक कंसैप्ट तुहाडा इस वीडियो दे विच क्लीयर किया गया है, और ग्रामर दे विच प्रैक्टिस ही मेन होंदी है. जिन्ने ज़्यादा सेंटेंसेस तुसी ग्रामर बुक दे विचों करूंगे उन्ने ही ज़्यादा परफेक्ट होंदे जाऊंगे,
यू नो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो परफेक्ट होने वास्ते प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ के लिए, फिर ही असी इस टॉपिक नू लैके परफेक्ट हो सकते हैं. थैंक यू सो मच.